नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। स्वाजीलैंड दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ करीब 60% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, लेकिन इस देश के राजा बेहद लग्जीरियस लाइफ जीने में कोई कमी नहीं छोड़ते। ये कहानी है अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड की, जिसका नया नाम इस्वातिनी है। स्वाजीलैंड के राजा मस्वती 3 की 15 पत्नियां हैं। उन्होंने हाल ही में पत्नियों के लिए 119 करोड़ रुपए की लग्जरी कारें खरीदी हैं, जिस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। स्वाजीलैंड कई कारणों से बदनाम रहा है। यहाँ बहुविवाह वैध है। इस वक्त राजा की 15 पत्नियां हैं, जबकि उनकी एक पत्नी की मौत हो चुकी है। स्वाजीलैंड में हर साल टॉपलेस कुंवारी लड़कियों की परेड होती है। इस दौरान हर साल राजा अपने लिए एक नई पत्नी चुनते हैं। टॉपलेस कुंवारी लड़कियों की परेड से राजा के पत्नी चुनने वाली इस प्रथा पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि इसे तमाम विरोध के बावजूद बंद नहीं किया गया। हाल ही में राजा ने अपनी 15 पत्नियों के लिए 15 रोल्स रॉयसेस और दर्जनों BMW कारें खरीदी हैं। पिछले साल अपने बर्थडे के मौके पर राजा ने अपने देश का नाम ही बदल दिया। उन्होंने देश का नाम स्वाजीलैंड से बदलकर इस्वातिनी कर दिया। हालांकि आज भी ज्यादातर लोग इसे स्वाजीलैंड के नाम से ही जानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजा खुद 1434 करोड़ के मालिक समझे जाते हैं। उनके पास प्राइवेट जेट से लेकर खुद के एयरपोर्ट तक हैं। 2014 में उन्होंने घर का सालाना बजट 437 करोड़ रुपए बताया था। एक बार फिर से अपने परिवार पर भारी रकम बर्बाद करने के लिए आम नागरिक राजा का विरोध कर रही हैं। सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने लग्जरी कारों पर 119 करोड़ रुपए खर्च करने की राजा के फैसले का कड़ा विरोध किया है। करीब 13 लाख की आबादी वाला स्वाजीलैंड अफ्रीका में स्थित एक देश है। स्वाजीलैंड के पड़ोसी देश दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक हैं। स्वाजीलैंड में हर साल रीड डांस सेरेमनी आयोजित की जाती है। सितंबर में आयोजित होने वाली इस सेरेमनी में हजारों की संख्या में 40,000 वर्जिन लड़कियां हिस्सा लेती हैं। खुली छाती में लड़कियों से परेड कराया जाता है। रीड डांस सेरेमनी की परंपरा के मुताबिक राजा का ये अधिकार है कि वो हर साल इनमें से किसी एक लड़की को अपनी नई पत्नी के रूप में चुन सकते हैं। कई लड़कियों ने बीते साल में इस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि परेड में हिस्सा नहीं लेने पर उनके परिवार को जुर्माना देना होता है। स्वाजीलैंड के राजा काफी बड़े परिवार के साथ रहते हैं। 15 पत्नियों के साथ रहने वाले राजा की 25 से ज्यादा बच्चे हैं। बीते साल राजा की एक पत्नी की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 37 साल की सेंतनी मसांगो ने कथित तौर से आत्महत्या की थी। मस्वती 3 1986 से ही राजा के पद पर है। इससे पहले 1841 करोड़ रुपए खर्च कर लग्जरी जेट खरीदने के लिए भी वो विवादों में रह चुके हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक देश की 10% आबादी उच्च वर्ग में आती है। ये 10% लोगों का खर्च देश की आधी आबादी के खर्च के बराबर है। बता दें कि स्वाजीलैंड पर पहले ब्रिटेन का ही शासन था। 1968 को स्वाजीलैंड को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। वहीं राजा मस्वती 3 ने कुछ वक्त के लिए ब्रिटेन के डोरसेट के एक स्कूल से पढ़ाई की थी, जिसके बाद अब राजा अपनी पत्नियों और अपने खर्चों को लेकर सुर्खियों में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।